दूसरा मन दीनों का, तुम्हारा दीन क्या, दीन मोहम्मद। तीसरा सवाल तुम्हारे नबी कौन, मोहम्मद मुस्तफ़ा। चौथा सवाल मन इमामों का, तुम्हारा इमाम कौन, इमाम कौन, मौला अली हो। इमाम पूछ रहा सो, पीर साहब नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, इमाम पूछता सो, पीर नहीं, वालिद नहीं, जोरू नहीं, बच्चे नहीं, इमाम पूछता सो। कौन इमाम, मोहम्मद मेहदी, अली रज़ा, इमाम नखी, इमाम तकी। इसके वास्ते हमें ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देते सो, इमामा के नाम लियो, इमामा के नाम लियो, इमामा के नाम लियो, इमामा को याद कराना, इमामा की अम्मा को याद कराना, इमामा के बाबा को याद करना। की कर को बोले तो ये चौथा अहम सवाल। यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बोलते थे, रसूलुल्लाह कभी भी मक्के से मदीने के बीच में एक जगह थी, जब भी वापस आते सहाबा के साथ तो वो पहाड़ को देख को बहुत रोते, बहुत रोते। सब सहाबा को खड़ा डालते पहाड़ को, बोलते कौन भी नहीं आना मेरे साथ, मैं अकेला जाता हूँ। जाते वापस आते रोते, फिर कब तभी गुजरते तो रोते, कब तभी गुजरते तो रोते, कब तभी। हज़रत आयशा पूछती या रसूलल्लाह जब भी यहाँ से गुजरती ना तो मैं रोती ना, की बोलती कि मेरी माँ की खबर ऊपर है, मेरी माँ की खबर यहाँ ऊपर है, यह पहाड़ के ऊपर यहाँ माँ की खबर है, और मेरे बाप की भी खबर यहाँ ही, मेरे बाप को भी शहीद कर दिए गए, और उसके बाद मेरी माँ के इंतकाल के बाद हज़रत आमिना को भी मई है यहाँ ले ले को, हज़रत अबू अब्दुल मुतलिब यहाँ को दफन कर डाले। जब भी यहाँ से गिरती जातू मैं, मेरे माँ बाप की खबर की ज्यारत करूँ, मेरे वालिदैन की खबर की ज्यारत करूँ। या रसूलल्लाह खबर की ज्यारत करे तो खुशी की बात, तुम्हें दुआ दे रही ना जा को, बहुत खुशी की बात। रोती उस कहीं को, रोती उस कहीं को, रसूलल्लाह बोले तुमने मालूम नहीं होता, छोड़ डालो। फिर ऐसा चला एक साल, दो साल, तीन साल ऐसा चला। एक दिन ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के ऊपर गए, रोते रोते आना सो, सब जने रोना शुरू करी। रसूल आ रही सो देख डाल को दूर से, पूरे साहबा, हज़रत आयशा, अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, उस्मान गनी सब रोना शुरू करी। आने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा ले करी, बोले कहीं को रो रही तुम्हें। बोलती पूरे साहबा या रसूलुल्लाह तुम्हारा रेगुलर काम, ऊपर चढ़ती रो ले को उतरती, आज हमें तुम्हें रोने से पहले हमें रोना शुरू कर डाले। रसूलुल्लाह आज कहीं को रो रही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती हैं कि खुदा की कसम आज आज मुझे बड़ी खुशी होगी और मुझे आज सबसे बड़ा इनाम मिलगा। हज़रत आयशा पूछती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज़ मिली। बोलती हैं कि सारी दुनिया तोहमत लगाती है, सारी दुनिया तोहमत लगाती थी जब से कुरान की आयत उतरी कि मैं सारे लोगों को अपने अपने इमाम के पीछे उठाता हूँ। अल्लाह बोलता है अपने अपने इमाम के पीछे उठाता हूँ। मेरे वालिदैन को तो मेरा पता था, अल्लाह को मानने वाले थे, अल्लाह को मानने वाले थे, दीन इस्लाम को मानने वाले थे। यहाँ तक मोहम्मद मुस्तफ़ा मैं उनकी नस्ल में आरूं कर को भी मालूम था मेरे वालिदैन को, अब्दुल्ला को भी, आमिना को। मगर ख़यामत के रोज़ अल्लाह ताला फरमाता इमाम के पीछे उठाना, मगर इनके पास इमाम की पहचान नहीं थी, मेरे वालिदैन के पास इमाम की पहचान नहीं थी। आज अल्लाह ताला ने मुझे ये शर्फ बख्शा है कि जब मेरे अपने वालिदैन की खबर मुबारक के पास गया, जाने के बाद सलाम पेश किया तो मेरे वालिदैन को ज़िंदा उठा गया, मेरी माँ आमिना को, मेरे बाप अब्दुल्ला को खबर में से उठा दिया। जैसा उठाया मैंने अपने हाथों में उनका हाथ लिया और पूछा मन इमामों का, तुम्हारा इमाम कौन सा है। तो उन्होंने फरमाया ऐ मेरे बेटे, हम ना मालूम है सो मन रब्बू का, मन दीनू का, मन रब्बू का, मन दीनू का इस्लाम है, मन रब्बू का अल्लाह है, मन दीनू का इस्लाम है, और मन नबियों का मोहम्मद मुस्तफ़ा है, यती चीज़ें हम ना मालूम, तुम्हें ये क्या कर रही हूँ। उसे बोलती हैं खुदा की कसम खबर में छः सवाल होंगे, मैं ये तीन सवाल का जवाब तुम्हें नहीं दे सकते कर को रोता था सो, तुम्हें तीन सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकते कर को रोता था सो। क़यामत के रोज़ मैं क्या मुँह दिखूँ, रसूलल्लाह के वालिदैन ऐसा रहे तो मैं क्या दिखूँ, मुझे बड़ा दुख था। आज अल्लाह ताला तुम्हें खबर में से उठाया और तुम ना मैं पूछ डाला मन इमामों का। पूछती इमामों का कौन, बोलती अना अखी अली बिन अबी तालिब, मेरा भाई अली बिन अबी तालिब। बोलती ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, पढ़ती कौन, रसूलल्लाह के वालिदैन पढ़ती, वालिदैन पढ़ती ला इलाहा इल्लल्लाह अली मोहम्मद रसूलल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, इमाम कौन पूछती। तो बोलती अलीयुन वलीयुल्लाह। हजरत आमिना बोलती बेशक मैं भी मानी, हज़रत अब्दुल्ला बोलती बेशक मानी। फिर दूसरी बात बोलती मन क़िबलू का, तुम्हारा क़िबला कौन सा, तुम्हारा क़िबला कौन सा। कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क़िबला बदला सो,
उससे पहले जितने भी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद उन सभी उन खिबला किसे बनाते थे, सो बैतुल मुकद्दस को बनाते थे। सो और बैतुल मुकद्दस अब खिबला नहीं था, वो यहूदियों का खिबला होगा। उसके वास्ते रसूलुल्लाह नहीं चाहते कि मेरे वालिदैन यहूदियों के खिबले को मेरा खिबला बोले। उसके वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं अब के बाद खिबला वो नहीं, खिबला जहाँ पर मेरा अखी पैदा हुआ, मेरा भाई अली पैदा हुआ, खुदा की कसम वो तुम्हारा खिबला। तो बोलते हैं मन खिबलु का काबा, जो काबा है वो अली का काबा है। फिर बोलती मन किताबु का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान नहीं, सो उससे पहले उन्हों सहीफ़ इब्राहिम पढ़ते थे, उन्हों तौरेत इंजील पढ़ते थे, उन्हों सब वो किताबा पढ़ते थे। उसके वास्ते बोलती हैं मेरे माँ बाप मेरा कुरान छोड़ को दूसरी किताब का नाम लेती हैं, ये मुझे गवारा नहीं देता। उसके वास्ते तुम्हारी किताब कुरान है। आज तीन सवाल मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिदैन को मैं बता को और अपने कानों से शवैदी हो को तस्दीक कर को आया, खुदा की कसम आए आयशा आज से मैं खुश हूँ। अब याद रख लो रसूल के सगे माँ बाप को ये सवाल की छूट नहीं, रसूल के माँ बाप को ये सवाल की छूट नहीं, तो हमें तुम्हें कौन सी खेत की मूली, हमें तुम्हें कौन सी खेत की मूली। याद रख लो ये छः सवाल, मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नबियों का, मन इमामों का, मन खिबलू का, मन किताबों का। तुम्हारी किताब कौन सी, तुम्हारा खिबला कौन सा, तुम्हारा इमाम कौन, तुम्हारा नबी कौन, तुम्हारा दीन कौन सा और तुम्हारा खुदा कौन सा। ये छः चीज़ें बोलना ज़रूरी, ये छः चीज़ें बोलिया तो तब इंशाल्लाह उसका खबर का मरहला चलता है। और याद रख लो और एक इमाम बोलते हैं, इमाम बौला अली मुश्किल कुशा बोलते हैं ये छः चीज़ों में से ये एक चीज़ भी फेल होगी, ये छः चीज़ों में ये एक चीज़ भी। याद रख लो अब तुम्हें भी नमाज़ पढ़ती, तुम्हें अल्लाह को भी मानती, रसूल को भी मानती, अली को भी मानती, कुरान को भी मानती, सूरह भी आती, पीर को भी मानती, वलियान को भी मानती, गौस आज़म को मानती, मान को भी अगर तुम्हें क़िबले की तरफ छोड़ को पीर साहब की फ़ोटो की तरफ तुम्हें अगर नमाज़ पढ़े तो होता है, होता है खिबला बदला ले तो होता है, तुम्हें मान रही काबा करो फिर बदला को पढ़े तो होता है, नहीं होता नहीं। ऐसा छः सवाल के अंदर एक भी सवाल अगर उन्हें नहीं बोलिया तो समझ लेना उसकी हस्ती वहाँ से बैटिंग स्टार्ट, उसकी बैटिंग खबर से स्टार्ट। अब वो चुमटी बन को उठता है, अब उसे आग की जंजीर पिना को उठाती, अलग अलग मरहले के वास्ते आठ गिरोह में उठाती। छः सवाल करना, छः सवाल पूरे बोलना, पूरे पूरे। ये छः सवाल बोलने के बाद फिर तीन सवाल, छः सवाल कंप्लीट करे तो तीन सवाल। वो तीन सवाल कौन से है, मैंने तुझे जवानी दी, क्या दी, जवानी दी, जवानी क्या करया, मैंने तुझे जवानी दी, जवानी क्या करया, बूढ़े में बुढ़ापे में करया तो फ़ायदा नहीं, बचपने में करया नहीं तो भी फ़ायदा नहीं, कि शरीयत लागू होना। अब बुढ़े को क्या है, पेशाब की पाकी नहीं रहती, पेशाब की पाकी नहीं रहती, झुकने नहीं होता, उठने नहीं होता, सजदा नहीं होता, खंडने नहीं होता, रोज़ा रखने नहीं होता, बुढ़े हुए स्टों को करे तो क्या भी फ़ायदा नहीं। मौला अली फरमाती कि एक सजदा जवानी का 70,000 बुढ़ापे के सजदों से अफजल, 70,000 बुढ़ापों के सजदे। ये एक बार अल्लाह पुकार डालना जवानी के अंदर, उसे वलवलाट, जोश, जज्बा, फिरने का शौक़, कमाने का शौक़, ये सब चीज़ें उन्हें कुर्बान करता नहीं, कुर्बान कर को आपको वजीफ़ा अल्लाह का जिक्र करता, खुदा की कसम उसका अफजल। उसका ये एक सजदा, ये एक अल्लाह पुकार लेना, ये एक अली पुकार लेना बहुत बड़ी चीज़ जवानी का। बुढ़ापे में मरगा तो भी फ़ायदा नहीं, बच्चे करें तो फ़ायदा नहीं। उसके वास्ते तू जवानी दिया तू करता क्या, जवानी दिया करता क्या। दूसरा पूछता है तू दौलत कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च करया, कहाँ से कमाया दौलत, कहाँ खर्च करया, कमाया कैसा, खर्च करया कैसा। हलाल में कमाना, खाली दौलत बच्चों के ऊपर फैमिली के ऊपर नहीं, खर्च करया क्या दीन मोहम्मदी के वास्ते, दीन हुसैन के वास्ते खर्च करया क्या, कहाँ से कमाया, कहाँ से खर्च करया। तीसरा मैंने तुझे नियामतें दी, मैंने तुझे बहुत सी नियामतें दी, वो नियामतों का तू सवाल करता कौन सी नियामतें, तुझे मैं दुनिया के नियामतें दिया वो नियामतों के बारे में सोल फबी आई आला रबी को मा तो कज़िबान है नहीं सूरा, मैं तुम्हारे रास्ते नियामतों का मैं सवाल करूँगा कौन से नियामतें। हमें समझते रहेंगे खाना पानी, वजू कर रहा है सो पानी रोटी, नहीं नहीं ये खाने पीने के बाद नियामत, सबसे बड़ी नियामत, सबसे बड़ी नियामत अल्लाह के तरफ से रसूल के तरफ से दो चीज़ें,
या कुरान या अहले बैत, ये नियामतों के बारे में सवाल करता, कुरान के बारे में सवाल करता है, अहले बैत के बारे में सवाल करता। कब ये पूरे इमाम के बारे में छः सवाल करे तो ये, अगर तुम ना नजात होना तो ये पूरे छः के साथ ये तीन सवाल का रेडी होना। ये रेडी हुए तो इंशाल्लाह खबर की मंजिल अगर पक्की, फर्स्ट एक्शन इज़ बेस्ट एक्शन, फर्स्ट प्रेफरेंस। स्टार्टिंग कैसा नौशो काला रहा तो पाउडर थोप ले को, स्मार्ट बन ले को, ऐनक डाल ले को, सूट डाल ले को बैठता की तो छोकरी वाले देखते ही सिलेक्ट कर डालना। नहीं ऐसा खबर में भी फर्स्ट अगर सिलेक्ट होगा तो उन्हें मैशर में भी पास, पुलसीरात में भी पास, मीज़ान पर भी पास। यहाँ फेल, खुदा की कसम पूरा फेल। और याद रख लो ये सिर्फ सवाल याद नहीं करना, बहुत प्रैक्टिकल है ये सवाल के अंदर, बहुत मुश्किल थी इसके वास्ते। कभी भी याद रख लो इमाम के बारे में जानना ज़रूरी, क़िबले के बारे में जानना ज़रूरी। कि आदमी हमें परसों एक बयान भेजा था तुम्हारे व्हाट्सएप के ऊपर भी, उसके अंदर मैं 20-25 मिनट का बयान है कि छपा डाले इंसाना क्या वास्ते कर डाले बैरकफ, इसकी ज़रूरी है। और ये आर्ट अभी ग्रो का है ना, वो इंशाल्लाह आइंदा जुम्मा को, जुम्मा जुमेरात को जिक्र नहीं, जुमेरात को जिक्र नहीं, जुम्मा को जिक्र, ये बार जुम्मा को जिक्र की कहते जुम्मा मौलूद इमाम हसन, जुम्मा मौलूद इमाम हसन का देखो जरा जुम्मा क्या कहता पड़ता इंशाल्लाह। सरकार इमाम हसन मुजतबा की इंशाल्लाह मौलूद पीर के दिन गजवाए बदर, बदर का ये हमना ज़रूरी है सब चीज़ें करना। टेंशन लियोनों को अभी लॉकडाउन ऊपर बढ़ गया, 7 बजे अंदर करवा लिया, बहुत अच्छा काम करवा लिया उन्हें। बैठकर हमारा हमारे वास्ते ये लॉकडाउन एक रहमत बन को आया, एक बरकत बन को आया, एक ईमान बन को आया। क्या है कि एक चीज़ है अल्लाह दे रहा है, अमेरिका वाले भी बहुत बर्बाद हो रही, इसराइल वाले भी बहुत बर्बाद हो रही, धेड़ा में बर्बाद हो रही रया तो रंदे। हमें इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह कर को याद रख लिया, इतनी चीज़ पहले से ही बोल रहा हूँ, अजाब अल्लाह के तरफ से हमारे वास्ते नहीं, हमारे वास्ते अजाब नहीं, अजाब उसके वास्ते जो अल्लाह और रसूल को ये परेशानी के हालत में भूल गए ना, उनको अजाब है। तुम्हें भूल को ही क्या अल्लाह उसके रसूल को नहीं भूले, नहीं तुम ना, ये अल्लाह ताला से इताब है, तुम्हारे दर्जात की बुलंदी दिखा रहा है, तुम्हारे दर्जात की बुलंदी हो रही है तुम्हारे, तुम ना इताब। जैसा नबियाम को आया यूनुस अलैहिस्सलाम को मच्छी के पेट में दिया, क्या करया उनके दर्जात की बुलंदी, याकूब अलैहिस्सलाम को कीड़े डालिया दर्जात की बुलंदी, ईसा अलैहिस्सलाम को कांटे चुबाया दर्जात की बुलंदी, रसूलल्लाह को दानदाने मुबारक शहीद करे दर्जात की बुलंदी, इमाम हुसैन को टुकड़े टुकड़े करे दर्जात की बुलंदी, गौसे आजम को 20 साल तक लाइलाज बीमारी में मुबतला करे, ये भी दर्जात की बुलंदी। याद रख लो अल्लाह तकलीफ़ देता है, मगर वो तकलीफ़ में तुम्हें अल्लाह उसके रसूल को अहले बैत को छोड़े तो अजाब, अजाब में ही समझ लो, छोड़ को ही नहीं तुम्हें इताब में ही, अल्लाह ताला इनाम दे रहा सो कि हमारे गुनाह रहेंगे, हमारे जो मरहूमिन उनके गुनाह रहेंगे, अल्लाह ताला इसे परेशानी में ला को, अल्लाह ताला हमारी मगफिरत करना चाहता, उसके वास्ते हमने सब्र दिखाता, इन्नल्लाह मा साबरीन। ये कानून अल्लाह उसके रसूल को पकड़ो, परेशानी पूरी दुनिया मोदी को पकड़े, तुम्हें हुसैन को पकड़े नहीं, सब जने मोदी कब बोलता खोलता 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 करें, हमें इमाम हुसैन की मौलूद हो जाते, शहादत अली हो जाते, 10 रात हमारे गुजर जाते, हमने लैलतुल कद्र मिल जाते, हमने क्या तभी हो को ये रमज़ान अच्छा हो जाते, इंशाल्लाह हमें कामयाब रहेंगे। बरकत अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब चीज़ों से महफूज अता फरमाए, और इंशाल्लाह आइंदा ये 8 जो गिरोह हैं, 8 गिरोह वो क्या